कि हमारे गवर्नमेंट में कोई करप्शन नहीं हुआ है। ये करप्शन नहीं तो क्या है? ये मरे का कतल नहीं तो क्या है? और दूसरी बात, इस गवर्नमेंट में मौजूदा गवर्नमेंट जो मुस्लिम लीग ने उनकी थी हफीजुर रहमान की क्यादत में 6000 कादक मुलाजिमीन का एक फीस मनाकर ड्रामा रचाया गया और बिल मंजूर करके। और कल डॉक्टर इकबाल साहब कहता है यासीन से राजा जहांगीर ने बिल लेकर आया। डॉक्टर इकबाल साहब और हफीजुर रहमान साहब तुम्हें डूब जाकर मरना चाहिए। राजा का एक सीट और असेंबली से कर्जदार पेश करता था, मैं उसको सलाम करता हूँ। एक सीट वाला आदमी ने कर्जदार पास किया और तुम्हारे और तुम्हारे गवर्नमेंट ने क्या भूल सीधे थे? क्या तुम सब ज्यादा ऐसे थे? राजा जहांगीर ने भी बर्दाश्त किया। ये देखो हालत है, दूल्हे की तरफ जा रहे हैं जिसमें सिफारिशी लोग और कंट्रैक्ट बिल के तहत आने वाले लोग काबिज होकर इदारों के साख को भी नुकसान पहुंचा देते हैं और हमारा मुस्तकबिल भी दांव पे लगता है। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, सिविल सेक्रेटेरिएट हो, जो भी हो, जहाँ पे टैलेंट के जो है ना, टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है। ज़माना बहुत आगे गया हुआ है और हमारे इदारे इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं। हमारे दरमियान जो है ना, नौजवान एहसास से महरूमी का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि डिग्रियां तो लेते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको उनके हकूक नहीं मिलते हैं। इसलिए आज ग्रेजुएट अलायंस गिलगित बल्तिस्तान की कॉल पर ग्रेजुएट